भिवंडी में लूम का कारोबार धीरे धीरे शुरू हो रहा है, लेकिन लंबे समय से बंद लूम के कारखानों को शुरू होने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए लेते हैं इस विषय में पूरी जानकारी। शिफ्ट चल रहा है, 12 घंटा चल रहा था। हालात बहुत ख़राब हैं, गवर्नमेंट हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रही है और वाटर एयरगेट के ऊपर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का हुआ है फोकस है, जबकि ये लूम कारीगरों को उद्योग देता है, लोगों को उद्योग देता है, एक एक घर चलता है, सैकड़ों घर इससे चलता है, लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान नहीं और दिन ब दिन हमारे हालात ख़राब होते जा रहे हैं। यान की फैक्ट्रियाँ बंद है, यान आसमान पर है, कपड़ा कोई ले नहीं रहा है, 12 घंटा ड्यूटी, 3 रजा चल रहा है हम लोगों। अब जो कारीगर आ रहे हैं उनको ड्यूटी देना है, लूम हमारा बंद ही है, अब इसको चालू करने के लिए इसके लिए पैसा लगेगा, मोटर जाम है, लूम बंद है, बीम नहीं मिल रही है, हाँ वर्कर्स आए हुए हैं उनको ड्यूटी कहाँ से देंगे, खुद के यानी घर के खर्चे के लिए बांधे हैं, ऐसे हालात चल रहे हैं। अब इस तरीके से कारोबार को गवर्नमेंट को एक तरफ हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भाई इनको कुछ पैकेज दिया जाए। हम OBC कैटेगरी के लोग हैं, हम लोगों को पावर लूम, हमारे पास पावर लूम ही एक उद्योग है जिससे हमारा कारोबार चलता है। आज हालात ऐसे हैं कि हम अपने घर को नहीं चला पा रहे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे ऊपर ध्यान दें और हमको कुछ पैकेज दें कि हमारे कारोबार को चले और जो सट्टेबाजारी यान की हो रही है उसको रोके, जिससे हमारा कारोबार तरक्की करे और जो भी बाहर का जो मामला है, जो गवर्नमेंट ड्यूटी लगाती है, सब चीज़ को ख़त्म करे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाए, इम्पोर्ट बढ़ाए और बाहर से यान आवे तो हम लोगों को काम अच्छा चले। हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे, हालात तो बहुत ही ख़राब है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।